नमस्ते दोस्तों, हेमा किचन हल्दी फ्रूट में आपका स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की पकौड़ी, जिसे भजिया भी बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं पहले प्याज को धो लेती हूँ बहुत अच्छे से। अब पालक भी धो लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये धनिया है और ये लहसुन है, ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा सब धुल चुका है। मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है इसे। इसमें प्याज में मैं पालक भी डालूंगी। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं प्याज को काट ले रही हूँ। आप सब देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा सब कट के तैयार हो चुका है। बोले थे ना, अब मैं चूल्हा जला रही हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। अब मैं चल रही हूँ बेसन को छानने। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये चने का बेसन है, इसी में बनाऊंगी मैं पकौड़ी। मैंने चने का बेसन दोस्तों बहुत अछे से इसे झाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। ये प्याज है दोस्तों, ये लहसुन है हरा धनिया। दोस्तों, ये जीरा है, हमने इसे कढ़ाई में इसे भून लिया है। और एक कटी हुई मिर्च है। ये हल्दी पाउडर है। दोस्तों, मैं इसमें अब नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। चलो, अब मैं इसे मिला ले रही हूँ। इसमें पानी डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब मैं कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, ये भजिया है दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये मेरी भजिया बहुत अच्छे से पक रही है। हाँ तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो मेरी पकौड़ी भजिया बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मेरा ये भजिया बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। बहुत अच्छा कलर इसका लग रहा है देखने में। आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे।
निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मेरे पकौड़ी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसके साथ में एक चटनी भी बनाया है। ये हरा धनिया और हरा मिर्च, हरा लहसुन और मैंने इसमें नमक भी डाला है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्षमा चाहती हूँ दोस्तों, आज मेरे गांव में एक शादी है इसीलिए थोड़ा शोर हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।